Hello, students, myself Gauri Tiwari. Uh, fr from this video, we will start our second part of syllabus that is system analysis development with unit third system analysis. So, we start our first point system and components of system. So, what is system? System is a group of interdependent items that interact regularly to perform a task. मतलब कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए ग्रुप ऑफ आइटम्स रहते हैं तो ग्रुप ऑफ आइटम्स जो है वो इंटरडिपेंडेंट रहेंगे दैट इंटरैक्ट रेगुलरली टू परफॉर्म अ टास्क ठीक है मतलब वो कंटिन्यूसली इंटरेक्ट करते रहेंगे कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए डिपेंड इंटरडिपेंड मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रह के वो वर्क करते हैं ठीक है अ सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स दैट आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर अ कॉमन पर्पज कोई भी एक कॉमन पर्पज़ के लिए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स दैट आर ऑर्गेनाइज फॉर अ कॉमन पर्पज वॉट इज सिस्टम सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स दैट आर ऑर्गेइज्ड फॉर अ कॉमन पर्पज़ मतलब दोनों भी डेफिनेशन पर से अपन ने ये देखा है कि एक पर्टिकुलर कॉमन टास्क है कि जो परफॉर्म करने के लिए अपन डिफरेंट एलिमेंट्स जो है या डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है उसको कलेक्टिवली वर्क करने जो है वो लगाते लेकिन सबका डिफरेंट कंपोनेंट्स भी अगर होंगे तो भी सबका टास्क जो है वो सिंगल ही रहेगा मतलब कॉमन ही पर्पज रहेगा ठीक है सिस्टम इज एन ऑर्डिनरी ऑर्डरली ग्रुपिंग ऑफ इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट लिंक्ड टुगेदर अकॉर्डिंग टू अ प्लान टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल एंड ऑर्डरली ग्रुपिंग ऑर्डरली यानी ये काम होने के बाद में ये काम होगा ये काम होने के बाद में ये काम होगा मतलब ऐसे ऑर्डर जो है वो दिया हुआ रहेगा ठीक है ग्रुपिंग ऑफ इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट जैसे बताया ऊपर के डेफिनेशन में कि डिफरेंट कंपोनेंट जो है वो कलेक्टिवली एक होते हैं ठीक है तो वैसे ही ग्रुप ऑफ कम्पोनन्ट जो है वो इंटरडिपेंडेंट है मतलब फर्स्ट टास्क परफॉर्म होने के बाद में ही सेकेंड टास्क परफॉर्म होगा सेकेंड टास्क परफॉर्म होने के बाद में थर्ड टास्क परफॉर्म होगा ठीक है कंपोनेंट्स लिंक टूगेदर अकॉर्डिंग टू अ प्लान जो एक दूसरे से लिंक रहेंगे अकॉर्डिंग टू अ प्लान टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल एक स्पेसिफिक गोल अचीव करने के लिए ये सारे सिस्टम जो है वो वर्क करता रहेगा फॉर एग्जाम्पल सपोज कॉलेज में अपने को कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है तो अपन क्या करते हैं डेकोरेशन की एक टीम बनाते हैं राइट इन्विटेशन की एक टीम बनाते हैं बाकी सिटिंग अरेंजमेंट की एक टीम बनाते हैं और टेबल जो है वो डाइस जो है उसका प्रॉपर सेटअप रहेगा उसकी एक टीम बनाते हैं राइट right? वापस पूरा काम अच्छे से चले ये देखने के लिए एक टीम बनाते हैं वो वापस किसके स्पीचेस कब होंगे वगैरह ये पूरा एंकरिंग एंकरिंग की एक टीम रहती है ऐसे अपन पाँच छः टीम्स जो है वो बनाते हैं राइट अब ये जो है इसका वर्किंग कैसे चलता है इनविटेशन जो है वो एंकरिंग वगैरह सब होने के बाद में अगर इनविटेशन देंगे तो कोई फ़ायदा है क्या नहीं पहले सबसे पहले क्या होता है ये सारी टीम्स जो है वो कलेक्ट होकर बैठती हैं ग्रुप में एक डिस्कशन करती है कि किसको क्या टास्क करना है एक बात हो गई सेकेंड प्रोग्राम कब ऑर्गेनाइज करना है फिर हर एक टीम को जो है वो डेडलाइन दी जाती कि ये डेडलाइन तक तुम लोगों को ये काम जो है मतलब ये टीम ने ये काम कंप्लीट करना चाहिए ताकि दूसरे टीम का काम जो है वो स्टार्ट हो पाए राइट ये सब चीज़ें जो है वो पूरा प्लानिंग होती है तो वो भी एक क्या हुआ सिस्टम मतलब ऑर्डरली ग्रुपिंग ऑफ इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट सारे ए, अपना अपना काम कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है क्योंकि अगर इन्विटेशन नहीं बटे तो एंकरिंग वाले एंकरिंग का ये कैसे करेंगे क्योंकि इन्विटेशन जब देते हैं तब तो फाइनल होता है कि कौन आ रहा है या कौन नहीं आ रहा है किसका पॉसिबल नहीं है उसके ऊपर ही डिपेंड रहता है कि एंकर्स कैसे एंकरिंग का आ, स्क्रिप्ट जो है वो बनाएंगे राइट सीटिंग अरेंजमेंट सीटिंग अरेंजमेंट का भी सेम वैसे ही है जब तक डेकोरेशन टोटल नहीं होता तब तक सीटिंग अरेंजमेंट वाले सीटिंग अरेंजमेंट की ये जो है वो नहीं कर सकते हैं मतलब चेयर्स जो है ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते ऐसे कोई भी आप एग्जांपल लो तो एक प्लान जो है वो एक ग्रुप जो है उसके दूसरे ग्रुप के ऊपर डिपेंड रहता है इसीलिए लिए इंटरडिपेंडेंट कम्पोनेंट्स बोला है और विच आर लिंक टुगेदर टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल सबका एक ही गोल है कि प्रोग्राम जो है उनको ऑर्गेनाइज करना है अलग अलग गोल है नहीं सबका एक ही गोल है कि उनको प्रोग्राम जो है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है यही एक गोल है लेकिन सब जन अपना इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट के जैसे वर्क कर रहे हैं ठीक है तो ये क्या हो गया सिस्टम ऐसे ही हर एक इसकी सिस्टम जो है वो होती है मैंने एक ग्लोबल एग्जाम्पल जो है सिस्टम का बताया ठीक है अब वट इज़ द वट आर द कंस्ट्रेंट्स ऑफ अ सिस्टम कंस्ट्रेंट्स यानी रूल्स कि क्या क्या रूल्स रहेंगे जब अपन कोई सिस्टम बनाते हैं सिस्टम मस्ट हैव थ्री बेसिक कंस्ट्रेंट्स फर्स्ट इज अ सिस्टम मस्ट हैव सम स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर विच इज़ डिजाइन टू अचीव अ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव यानी क्या स्पेसिफिक गोल जो गोल अचीव करने के लिए अपन ने सिस्टम को डेवलप किया है वो गोल यानी ऑब्जेक्टिव ठीक है क्या दिया है सिस्टम जो है मस्ट हैव सम स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर कोई भी सिस्टम रहो उसको एक स्ट्रक्चर बिहेवियर होना चाहिए विच इज डिज़ाइन टू अचीव अ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव मतलब अब सपोज आप लोगों ने ग्रुप तो बना दिए लेकिन प्रोग्राम कब करना है कैसा प्रोग्राम करना है मतलब सेंड ऑफ़ को प्रोग्राम करना है कि वेलकम फंक्शन करना है या फिर और दूसरा कोई दिवाली फंक्शन वगैरह सेलिब्रेट करना है यही अगर पता नहीं है राइट तो फिर आप लोग सिस्टम का कितना भी डिस्कशन करके कोई यूज़ नहीं होगा इसीलिए हर एक सिस्टम को एक स्ट्रक्चर होना चाहिए उसका एक बिहेवियर होना चाहिए और वो स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से डिजाइन होना चाहिए कि वो जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव उनका परफॉर्म करना है स्पेसिफिक टास्क उनको परफॉर्म करना है उसके अकॉर्डिंगली उनका स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर जो है वो होना चाहिए ठीक है सेकेंड इज इंटरकनेक्टिविटी एंड इंटर डिपेंडेंस मस्ट एग्जिस्ट अमंग द सिस्टम कंपोनेंट ठीक है अब ये सारी जो सिस्टम मैंने बताया डिफरेंट कंपोनेंट्स यानी जो अलग अलग ग्रुप्स बताए ठीक है अगर एक दूसरे के साथ में उनका नहीं जम रहा है या फिर एक दूसरे के साथ में उनका कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है तो ऑब्वियस है आप लोगों का प्रोग्राम जो है वो ठीक से नहीं होगा ठीक है तो वही है इंटरकनेक्टिविटी एंड इंटरडिपेंडेंस मतलब उनके उनका एक दूसरे के साथ लिंकअप एंड डिपेंडेंसी जो है वो एग्जिस्ट होनी ही चाहिए उसी उसी वजह से प्रोग्राम जो है या फिर जो भी सिस्टम जो है वो प्रॉपरली वर्क करेंगे थर्ड क्या है द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैव हाइर प्रायोरिटी देन द ऑब्जेक्टिव ऑफ सब सब सिस्टम सब सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है जैसे इनविटेशन वाली जो है ग्रुप तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा उनको इनविटेशन जो है ये ये डेट तक इनविटेशन उनको सब लोगों तक पहुंचाने ही हैं ये उनका सब सिस्टम मतलब उनके सिस्टम का ऑब्जेक्टिव हो गया लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोग्राम अच्छे से परफॉर्म होना चाहिए प्रोग्राम अच्छे से ऑर्गेनाइज होना चाहिए ये मेन ऑब्जेक्टिव है राइट तो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसका हायर प्रायर प्रायोरिटी चाहिए दैन द सब सिस्टम के ऑर्गेनाइज ऑब्जेक्टिव से मतलब इन्विटेशन प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो इससे हायर प्रायोरिटी किसको चाहिए कि अपना प्रोग्राम जो है वो अच्छे से होना चाहिए ठीक है ये हो गया अपना तीन कंस्टेंट्स या तीन रूल्स जो सिस्टम ने फॉलो करने ही चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैंने जो आपको एक कॉलेज uh, का एक एग्ज़ाम्पल बताया था जो आपको ईजीली समझ पाए लेकिन अपन ग्लोबल एग्जाम्पल्स लेते हैं मतलब ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम हो गई पे रोल सिस्टम हो गया ऑटोमेटिक लाइब्रेरी सिस्टम हो गई ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गई या फिर बैंकिंग सिस्टम हो गई ऐसे बहुत सारे एडमिशन सिस्टम हो गई ये सारे सिस्टीम्स जो है आप लोगों की एग्ज़ाम्पल है डिफरेंट सिस्टीम्स के ठीक है एडमिशन सिस्टम के अंदर भी यही है कि पहले आप एग्जाम पहले आप ऑनलाइन या फिर आप लोगों का जो ऑफलाइन एडमिशन फॉर्म है वो आप फिलअप करेंगे वो होने के बाद में आप ऑथराइज़्ड पर्सन जो है उसकी एडमिशन के फॉर्म के ऊपर साइन लेंगे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करने के बाद में आप लोग ऑथराइज़ पर्सन की साइन लेंगे वो होने के बाद में आप आ, फीस जो है वो पे करने के लिए जा एक्चुअली दो साइन रहती है और फिर उसके बाद में आप लोग फ़ीस पे करने के लिए जाते हो राइट ऐसे तो नहीं है कि तुम लोगों ने पहले फ़ीस भर दी और फिर बाद में एडमिशन फॉर्म भरा नहीं होता है ऐसे तो वही है एडमिशन सिस्टम भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है मतलब आप फर्स्ट टीचर की जब साइन लेते हो वो अगर प्रेजेंट नहीं है जो डॉक्यूमेंट्स चेक करते तो सेकंड वाले साइन नहीं देते सेकंड वाले ने साइन नहीं दिया तो एडमिशन फ़ीस जो है आप लोग नहीं भर सकते हो राइट तो ऐसे वो एक दूसरे के ऊपर इंटर होते हैं तो ये हो गया सिस्टम नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम ये हो गया सिस्टम लेकिन अब सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं तो कंपोनेंट्स जो है वो देर आर फाइव कंपोनेंट्स फर्स्ट इज इनपुट आउटपुट प्रोसेसर फीडबैक एंड कंट्रोल एंड बाउंड्रीज एंड द इंटरफेसिस और ये टोटल जो है वो आता है एनवायरमेंट के अंदर इनपुट क्या है आप लोग कुछ तो इनपुट देंगे प्रोसेसर जो है वो प्रोसेसिंग करेगा उसको कंट्रोल करने के लिए अलग यूनिट रहेगा प्रोसेसर की प्रोसेसिंग होने के बाद में वो आउटपुट आउटपुट जनरेट करेगा आउटपुट जनरेट होने के बाद में उसका फीडबैक जाएगा फीडबैक में अगर कुछ प्रॉब्लम है मतलब आउटपुट प्रॉपर जनरेट नहीं हुआ है या फिर जो भी कुछ फीडबैक है पॉजिटिव है या निगेटिव है जो भी है उसके ऊपर डिपेंड वापस से इनपुट जो है वो लिया जाएगा ठीक है इस तरीके से सिस्टम का कंपोनेंट जो है वो वर्क करता है और उसके कुछ बाउंड्रीज एंड इंटरफेसेस होते हैं मतलब कुछ उसकी बाउंड्रीज होती है कि इतने तक ही वो वर्क जो है वो कर सकता है तो अपन हर एक कंपोनेंट जो है सिस्टम का वो डिटेल में देखते हैं ठीक है फर्स्ट इज आउटपुट्स एंड इनपुट्स कंपोनेंट द मेन एम ऑफ सिस्टम इज़ टू प्रोड्यूस एन आउटपुट विच इज़ यूजफुल फॉर इट्स यूजर सबसे मेन एम क्या है आप लोगों का जो मैंने पहले ही बताया एग्जाम्पल जो अपना आ, और, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का था मेन एम क्या है कि आपका प्रोग्राम जो है अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो पाए ठीक है सब सिस्टम्स के अंदर मतलब बाकी आपके कुछ भी प्रॉब्लम्स आए लेकिन एंड रिज़ल्ट जो है वो अच्छा होना चाहिए ये मेन एम रहता है ऑफ द प्रोग्राम जब अपन ऑर्गेनाइज़ करते हैं राइट सेकेंड एडमिशन सिस्टम का एग्जाम्पल लिया था एडमिशन सिस्टम का क्या है ठीक है आप लोगों को बीच में कितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं दैट मीन्स कोई टीचर प्रेजेंट नहीं है तो आप लोगों को वेट करना पड़ रहा है या फिर थोड़ी देर बाद आके वापस चेक करना पड़ता है कभी कभी जो है वो सपोज़ ऑनलाइन फॉर्म अगर भर रहे तो साइट ब्लॉक हो गई है साइट का कुछ प्रॉब्लम है ऐसे जब अपना एडमिशन लेते तो बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो होते हैं सपोज आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है तो उसके लिए आपको वेट करना है जो भी है लेकिन एंड रिजल्ट क्या है कि आपका ड्यू डेट के पहले एडमिशन जो है वो हो जाना है ये एंड रिजल्ट है ठीक है तो वैसे ही मेन एम एम ऑफ द सिस्टम जो है इज़ टू प्रोड्यूस एन आउटपुट विच इज़ यूजफुल फॉर इट्स यूजर यूज़र के लिए मतलब एडमिशन आपका प्रॉपर हो ये मेन एम जो है वो होना चाहिए ठीक है तो आउटपुट्स एंड इनपुट्स में क्या आएगा कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम में मेन एम ऑफ द सिस्टम इज़ टू प्रोड्यूस

नेक्स्ट इज प्रोसेसर व्हाट इज प्रोसेसर द प्रोसेसर इज द एलिमेंट ऑफ द सिस्टम दैट इन्वॉल्व एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इनपुट इन द आउटपुट अपन ने देखा इनपुट का आउटपुट में कन्वर्जन करने के लिए बीच में प्रोसेसर से होना पड़ता है गुजरना पड़ता है इनपुट को राइट right? तो मतलब प्रोसेसर का मेन वर्क क्या है इज द एलिमेंट ऑफ द सिस्टम वो एक एलिमेंट है सिस्टम का दैट इन्वॉल्व द एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू द आउटपुट इनपुट का एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आउटपुट में करने का काम जो है वो प्रोसेसर करता है इट इज़ द ऑपरेशनल कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम प्रोसेसर्स में मॉडिफाई द इनपुट आइदर टोटली और पार्शियली डिपेंडिंग ऑन द आउटपुट स्पेसिफिकेशन आउटपुट जैसे चाहिए है उस हिसाब से वो इनपुट को थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकता है और फिर आउटपुट जो है वो प्रॉपरली जनरेट करके दे सकता है तो ऐसे प्रोसेसर जो है वो ऑपरेशनल कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम है एज द आउटपुट स्पेसिफिके स्पेसिफिकेशन चेंज सो द प्रोसेसिंग इन सम केसेस इनपुट इज़ also मॉडिफाइड टू इनेबल द प्रोसेसर फॉर हैंडलिंग द ट्रांसफॉर्मेशन आउटपुट जैसे चाहिए जैसे मैंने बताया कि जैसे आउटपुट आपका चेंज होगा मतलब आउटपुट specifications जो है कि हमको आउटपुट इस तरीके से नहीं हमको इस तरीके से चाहिए है तो फिर obvious प्रोसेसिंग चेंज होगी प्रोसेसिंग चेंज होगी तो क्या है इनपुट जो है वो भी चेंज हो सकता है या फिर इनपुट जो भी अपन ले रहे हैं उसमें अपन मॉडिफिकेशन जो है वो कर सकते हैं ये हो गया प्रोसेसर थर्ड इज़ कंट्रोल द कंट्रोल एलिमेंट गाइड्स द सिस्टम कंट्रोल क्या रहता है कि थ्रू आउट सारे सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं उसके सारे कंपोनेंट्स वर्क कर रहे हैं कि नहीं ये सारी चीज़ें कंट्रोल करने के लिए जो एलिमेंट है वो है कंट्रोल एलिमेंट राइट इट इज़ द डिसीजन मेकिंग सब सिस्टम दैट कंट्रोल्स द पैटर्न ऑफ एक्टिविटीज़ गवर्निंग इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट ठीक है मतलब इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग इसके ऊपर वो प्रॉपर वॉच जो है वो रखता है तो ये वॉच रखने का काम जो है जो डिसीजन मेकिंग सब सिस्टम करती है वो है कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज़ कंट्रोल्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर इन ऑर्डर टू कीप सिस्टम इन बैलेंस व्हाट एंड हाउ मच इनपुट इज़ नीडेड डिटरमाइंड बाय द आउटपुट स्पेसिफिकेशन ठीक है मतलब कितना आउटपुट ज़रूरी है इनपुट जो भी आउटपुट अपने को जनरेट करना है उसके लिए क्या क्या इनपुट लेना है और फिर उसका प्रॉपरली एग्जीक्यूशन कैसे करना है वॉट एंड हाउ मच इनपुट इज नीडेड ये जो फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट ये जो है वो कंट्रोल जो है वो डिसाइड करता है नेक्स्ट इज़ फीडबैक फीडबैक प्रोवाइड द कंट्रोल इन अ डायनेमिक सिस्टम फीडबैक जो है वो कंट्रोल देता है डायनेमिक सिस्टम को डायनेमिक यानी स्टैटिक यानी फिक्स्ड रहेंगी कि उसके अंदर चेंजेस नहीं होंगे और डायनेमिक मतलब क्या जो चेंज हो सकती है वेरी हो सकती है यानी कि सपोज फर्स्ट इसमें अगर आपका मतलब आप बहुत सी बार जब अपन सी प्रोग्राम भी करते हैं राइट सपोज़ अपने को चाहिए हेलो वर्ल्ड आउटपुट जो वैसे चाहिए हेलो वर्ल्ड डबल डॉट और फिर आगे एक्सक्लेमेशन मार्क ऐसे चाहिए ठीक है आप लोगों ने प्रोग्राम लिख लिया आउटपुट भी आ गया लेकिन आउटपुट ऐसे आया हेलो है, वर्ल्ड इतना ही आया है डॉट डॉट और एक्सक्लेमेशन नहीं है क्या करते आप फिर वापस इनपुट चेंज करते इनपुट यानी वापस से अपन प्रोग्राम जो है वो चेंज करते फिर जहाँ प्रिंट एफ लिखा है वाला वहाँ हेलो वर्ल्ड डॉट डॉट और एक्सक्लेमेशन मार्क लिखेंगे मतलब ये क्या हुआ डायनेमिक सिस्टम हुई यानी आप लोग आउटपुट जो एक्सपेक्टेड है वो नहीं आ रहा है तब तक आप प्रोसेसिंग के अंदर चेंजेस कर रहे हो ठीक है तो वैसे वही है सेम यहाँ पे भी फीडबैक जो है वो कंट्रोल देता है इन डायनेमिक सिस्टम डायनेमिक सिस्टम मतलब जो चेंजेस अपन कर सकते हैं वैरी पॉजिटिव फीडबैक इज द रूटीन इन नेचर दैट इंकरेजेज द परफॉर्मेंस ऑफ सिस्टम पॉजिटिव अब ऑब्वियस रहता है कि फर्स्ट इसमें अगर अपना प्रोग्राम ये हो गया रन तो अपन उतना एनर्जेटिक रहता है राइट right? और सपोज़ अगर निगेटिव फीडबैक आया मतलब अगर टीचर को बताया आपने आउटपुट क्या आया है और उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ये चेंजेस करो तो फिर क्या हो गया वो थोड़ा नगेटिव फीडबैक हो गया इज़ द इन्फॉर्मेशनल इन नेचर दैट प्रोवाइड द कंट्रोलर विद द इन्फॉर्मेशन फ़ॉर द एक्शन इस वजह से फिर टीचर ने अगर बोला है कि ये ये चेंजेस कर लो तो फिर आपको क्या हुआ चेंजेस करने पड़ेंगे तो वो मैम ने आपको इन्फॉर्मेशन दिया है कि कौन सा एक्शन आपको परफॉर्म करना है वो मतलब फीडबैक यानी क्या आउटपुट को एना एनालाइज करके अपन एक फीडबैक बनाते हैं कि वो प्रॉपर आया है आउटपुट या नहीं आया है तो ओके okay, नहीं आया है तो उसमें एक्शन अपने को परफॉर्म करना पड़ता है चेंजेस करने के लिए नेक्स्ट इज़ फाइव एनवायरमेंट द एनवायरमेंट इज़ अ सुपर सुपर सिस्टम विद इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट एनवायरमेंट मतलब क्या जैसे तुम लोग कॉलेज के अंदर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो तो कॉलेज क्या हो गया एनवायरमेंट हो गया मतलब एक सुपर सिस्टम है कि विद इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर ऑपरेट हो रही है इट इज द सोर्स ऑफ़ एक्सटर्नल एलिमेंट्स। इट इज द सोर्स ऑफ़ एक्सटर्नल एलिमेंट दैट स्ट्राइक ऑन द सिस्टम। इट डिटरमाइंस हाउ अ सिस्टम मस्ट फंक्शन फॉर एग्जाम्पल वेंडर्स एंड कम्पिटिटर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉर्मेंट मे सिस्टम मतलब जो भी एक्सटर्नल ये होता है, external, external जो है वो अपने इसके अंदर इन्वॉल्व होता है तो वो क्या हो गया एन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड है ठीक है मतलब उनके कुछ रूल्स हैं और जो वो रूल्स जो है वो अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो अफेक्ट करते हैं तो ये हो गया कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम दैट इज़ एन्वायरमेंट नेक्स्ट इज बाउंड्रीज एंड इंटरफेस व्हाट इज बाउंड्रीज एंड इंटरफेस अ सिस्टम शुड बी डिफाइंड बाय इट्स बाउंड्रीज बाउंड्रीज आर द लिमिट्स दैट आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट प्रोसेस एंड इंटर रिलेशनशिप वन इट इंटरफेसिस विद अनादर सिस्टम each system has boundaries that determine the sphere of influence and control the knowledge of the boundaries of the given system is crucial in determining the nature of its interface with other systems for the successful design successful design hone ke liye har ek system ki boundary lines jo hai wo decide honi chahiye जैसे आप लोग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते समय भी आप लोगों को टीचर्स जो है वो सारे रूल्स बता देते हैं कि इतने टाइमिंग तक प्रोग्राम होना चाहिए कुछ भी मिसबिहेव जो है वो नहीं होना चाहिए मतलब एक बाउंड्रीज जो है वो रेडी कर दिया है वैसे ही सेम है सिस्टम की भी बाउंड्रीज जो है वो सेट um, होती है कि उस वजह से जो है आप लोगों का कंट्रोल जो है मतलब सिस्टम का कंट्रोल जो है वो विद इन दैट बाउंड्रीज ही रहेगा ठीक है तो ये हो गया कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल दैट इज़ एच डी एल सी जो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ठीक है थैंक यू